हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, भाई आपके भाई के चैनल पर न्यू न्यू वीडियोस आते जा रही हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। ये हमारे एक भाई है, चलो चेहरा नहीं दिखाऊंगा, वो शर्मिला है हमारा भाई। ठीक है भाई, तो लेफ्ट और राइट साइड के जजमेंट के बारे में वाली वीडियो है। देखा, अभी हम राइट की तरफ देख रहे हैं। आप गाड़ी न्यू लर्नर्स के लिए है, मतलब जो भी हमारे न्यू न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए ये वाली वीडियो। अभी थोड़ा सा लेफ्ट साइड जा रहे हैं भाई, माफ़ करना, सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करना, क्योंकि आप गाड़ी वाले चलाओ सीट बेल्ट लगाना चाहिए, इसको मत भूलना। अगर आप कोई ऐसी वीडियो चाहते हो ना गियर चेंजेस वगैरह के बारे में, तो भाई वो बता देना, मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा गियर चेंज के बारे में। अभी हम देखो राइट की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड में हमारा रोड पूरा का पूरा अभी खाली पड़ा है। अभी हमें सारा ध्यान देना है राइट की तरफ। अब हम देखना भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि स्विफ्ट दिख रही होगी आपको, अब हमारी गाड़ी देखो, आपको लग रहा होगा कि टच होने वाली है, मगर भाई बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। और ये जो ज़्यादा मतलब सटीक तरीका है ना लगाने का, ये तो हमारा जो भाई गाड़ी चला रहे हैं मतलब एक्सपीरियंस ड्राइवर है, जो न्यू लर्नर से उनको मतलब लग नहीं पाता है। तो आपके लिए एक एडवाइस ये है मेरी, जब भी आपका ऐसा फील होना कि भाई मेरी गाड़ी लगने वाली है और स्पेस कम है बहुत ज़्यादा, इस तरीके का कुछ फील होने लगे, तो आप सबसे पहले गाड़ी स्लो कर देना, और बहुत स्लो करके गाड़ी को वहाँ से निकालना, तब आपको दिखेगा कि कितना स्पेस है और कितना स्पेस नहीं बचा था। उससे थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा इन चीज़ों से, ठीक है भाई। और इस चीज़ को आप रेगुलर दो चार बार मेंटेन करोगे ना, इसको यूज़ करोगे, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि भाई हमारे गाड़ी से निकले अचानक से, ये देखो राइट से हमारे कितने सारे जा रहे हैं, और हमारी गाड़ी का कोन देखो आप, मतलब स्टेयरिंग का ये जो पिलर है यहाँ पे, ये वाला जो पिलर है इसको देखो आप मतलब, और राइट से ही हमारे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा देखने कि भाई गाड़ी बिल्कुल क्लोज जा रही है, बिल्कुल एकदम क्लोज टच वगैरह कर रहे होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई लर्नर्स हैं ना, न्यू न्यू जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में कि भाई फंस गया यार, बार 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 वो बाहर देखते हैं, मतलब ऊंचे ऐसे ना ऊपर ऊपर को होके बोनेट को देखने लगते हैं, फिर थोड़ा डोर खोल खोल के देखते हैं कि भाई कहीं टच वच तो नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस तरीके से देख रहे हो भाई कैसे फर्राटेदार भाग रही है। भाई एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी हम आ रहे थे ना, तो एक भाई ने हमसे बोला कि भाई गाड़ी बेच रहे हो क्या, सेल कर रहे हो? मैंने भाई क्यों, उन्होंने कह रहा वो कि हमें चाहिए भाई गाड़ी चाहिए मारुति भाई, तो मैं हमने बोला कि भाई नहीं नहीं सेल वेल नहीं कर रहे भाई, अभी तो अब चला ही रहे हैं मस्त होके। लोग भाई यार मांगते ज़्यादा हैं यार, मारुति चीज़ ही ऐसी, जो मारुति लवर है ना वो बंदे तो बस उन्हें ही पता है मारुति की वैल्यू है क्या। मारुति 800 बहुत यार एकदम लाजवाब गाड़ी है आज भी, बिल्कुल ओल्ड टाइप फीचर्स के साथ और बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये निकाल दिन ने मतलब एकदम इतना खतरनाक ड्राइवर है हमारा, एकदम पहियों के पास से कट मार के निकाल के लेके जाता है। अभी हमारे ना ये बिल्कुल कॉर्नर पर चल रहा है जो ये रिक्शे वाला, बिल्कुल कॉर्नर पर। अभी ये देखो यहाँ पे भी मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ये देखो अपने ये बच गई गाड़ी, पूरी पूरी की पूरी गाड़ी बच गई है। अब भाई कोई न्यू बंदा होता ना एकदम मतलब यही सोचता है कि भाई बस गाड़ी लगने वाली है। स्पेस देखो रोड भी थोड़ा छोटा ही है, यहाँ ट्रैफिक वगैरह भी ज़्यादा ही होता है। देखो ये बच गई हमारी गाड़ी यहाँ से, यार रोड काफ़ी छोटा है। अब वहाँ आ गए भाई फुल टू फटैक मार्केट, एक क्लॉथ मार्केट है यहाँ पे, मतलब कपड़े वपड़े मिलते हैं यहाँ पर, कपड़े जूते सिलाई मशीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल्स की यहाँ पे दुकान है काफ़ी सारी। और आपको ट्रैफिक में हॉर्न का यूज़ ज़्यादा करना है, आपको दिखे ना तो हॉर्न बराबर यूज़ करते रहें हॉर्न का। तो भाई आप तो भाई हम आ गए तगड़े वाले ट्रैफिक में, आपको यहाँ पे मतलब ट्रैफिक पुलिस है ना कोई है, ठीक है भाई रास्ता देखो जाम, देखो जाम, मतलब पुलिस वाला बंदा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई लेफ्ट साइड के जजमेंट का यही तरीका है, एक तो आप स्टेयरिंग से पता लगा सकते हैं, इसके बारे में ये वाली वीडियो में क्लियरली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है भाई यहाँ पे, और एक वीडियो में इस तरीके की क्लियरली बनाऊंगा मतलब जिसमें आपको अच्छे से समझ आ सके कि भाई लेफ्ट में आपका टायर कहाँ जा रहा है, और मतलब स्टेयरिंग से आप पता कर सकते हैं मतलब लेफ्ट साइड के जजमेंट कर सकते हैं आप बहुत ईजी तरीके से, ठीक है भाई इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो हमारी यहीं तक रहने, तो भाई अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।